जळगाव शहरात गेल्या अनेक दिवसांपासून अनेक ठिकाणी मारामाऱ्या, रस्ता लूट यासह अनेक प्रकार सध्या सुरू आहे. त्यातच आज माजी महापौर अशोक सपकाळे यांचे चिरंजीव राकेश सपकाळे यांच्यावर लाडू गँगने हल्ला करून त्यांचा खून केल्याची माहिती समोर आली असून यातील दोघांना पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे. याबाबत सविस्तर वृत्त असे की काल रात्री 11:30 सुमारास माजी महापौर अशोक सपकाळे यांचा मुलगा राकेश सपकाळे वय 28 हा शिवाजीनगर स्मशानभूमी परिसरातून येत असताना त्याच्यावर अज्ञात तरुणांनी शिवाजीनगरातील उस्मानिया पार्क जवळ हल्ला चढवला. यात त्याचा मृत्यू झाला. राकेश याला ओम क्रिटिकल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले असता डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. राकेश याचा खून पूर्ववैमनस्यातून झाल्याची माहिती समोर आली असून यातूनच ही हत्या झाल्याचा प्राथमिक संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. जलगाव शहर में कल 4 नवंबर को तकरीबन रात 11 बजे के दरमियान जलगाव शहर पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में एक राकेश सपकाळे नामक युवक का गणेश और विशाल नाम के संदिग्ध और उनके साथ और 3 लोग जो अभी तक पहचाने नहीं गए, इन लोगों ने मिलके शिवाजी नगर के रोड पे जलगांव शहर से जाते हुए शिवाजी नगर के रोड पे वहाँ पे उनको मिलके चाकू और तलवार का इस्तेमाल करते हुए उनका खून किया है. और उस मामले में जलगांव शहर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है. वहाँ पे खून और दंगा और आर्म्स एक्ट के तहत ये मामला दर्ज है. इसमें से जो मुख्य अभियुक्त है गणेश और विशाल, इनको पुलिस ने अरेस्ट किया है और आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है यहाँ के जो ASP है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री कुमार चिंता, इनके पास इन्वेस्टिगेशन है. आगे का इन्वेस्टिगेशन शुरू है. यातच त्याचा दुर्दैवी अंत झाल्याने हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. जळगावहून धर्मेंद्र राजपूत सोबत आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज मराठी. कोरोना वायरस ने सिखा दिया हेल्दी लाइफ कितनी महत्वपूर्ण है. आपके फिटनेस और अच्छी हेल्थ के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए ABS जिम, जहां है वेल इक्विपाइड इक्विपमेंट्स के साथ सर्टिफाइड ट्रेनर्स और डाइटिशियन. पूरी सुरक्षा और हाइजीन के साथ ABS फिटनेस एंड वेलनेस फिर से आपके सेवा में शुरू है. खांडे सेंट्रल मॉल जलगांव.